नमस्ते, मैं परमेश्वर पवार, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं प्रोटेक्टर 600 जो कि स्प्रे मशीन है वो संभालता हूँ, इसका सर्विस संभालता हूँ। मैं आपको मेरे प्रोडक्ट की जानकारी देता हूँ, आइए। तो ये एक नया जो अपडेट शक्तिमान कंपनी ने जो किए वाला है कि जो स्प्रे के लिए किसानों के एक काफ़ी उपयोग के लिए स्प्रे मशीन बनाया वाला है जिसका नाम है प्रोटेक्टर 600 और इसका उपयोग ओनली वन स्प्रे मशीन बोल के है, स्प्रे करने के लिए टोटली जो अपना क्रॉप होता है, जो भी फसल होता है उसके लिए है ये पूरा फसल, जो कि सोया हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट क्रॉप को ये स्प्रे करता है। और आइए, इसको एक कोलर कंपनी का 22 एचपी का इंजन दिए वाला है, एक पंप है, डायफार्म पंप है जिसका काफी अच्छा यूज होता है स्प्रे के लिए। ये है किसान की फसल लगभग बड़ी होती है इसलिए इसका हाइट भी अच्छी तरह से दिए वाला है, 1.2 मीटर इसका हाइट है। व्हील्स है, व्हील्स का विड्थ है 4 इंच, 4.5 इंच है, जो कि एक जो सरी होती है, सरी जो बोलते हैं उसके अंदर अच्छी तरह से चलता है। और इसका एक और बेनिफिट अच्छा है कि ये दोनों पहिए एक लाइन में चलते हैं, जो कि फोर व्हील ड्राइव है, फोर व्हील स्टेयरिंग व्हील है। और दूसरा बात, इसके लिए फसल के लिए सेफ्टी है, जो कि फसल फैलता है उसका जो फसल फैलने के बाद अगर एक दूसरे के ऊपर खराब ना होने इसलिए के लिए, इसलिए ये क्रॉप डिवाइडर जो बोलते हैं फसल के लिए, फसल के सेफ्टी के लिए ये भी दिए वाला है। आइए इधर से, और दूसरी बात है किसान के लिए बेनिफिट्स के लिए अच्छा है, एक अवस को, एक घंटे को लिए ये 3 लीटर डीजल लगता है इसको, तो ये भी अच्छा खासा है। दूसरा, स्टेयरिंग व्हील जो है, स्टेयरिंग पूरा पावर स्टेयरिंग है और अच्छा कैबिन भी अच्छी तरह से दिया है, सेफ्टी है पूरा। और अपन इसके साथ एक बेनिफिट है ऑपरेटर के लिए, अपन मास्क भी देते हैं इसके साथ में। दूसरा, ये जो बूम दिए है, ये साइड का 12 फुट का बूम है, उस साइड का 12 फुट का है, और सेंटर का जो बूम है 6 फुट का है। टोटल लेंथ इसकी जो है विड्थ वो 30 फुट की आती है, लगभग 10 मीटर पे आती है। 2 नोजल है, 2-वे नोजल है, जो 2-वे नोजल है, जो नोजल मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, अभी मैं आपको स्टार्ट मशीन करके दिखाता हूँ। दूसरी बात ये है, इसको 2 टाइप्स के गियर दिए, एक ड्राइव गियर है जो कि रिवर्स फॉरवर्ड का एक ऊपर है, और नीचे गियर मैकेनिकल गियर है जो एक फॉरवर्ड चलता है, रिवर्स चलता है। जो मैकेनिकल गियर है एक जो स्प्रे करने के लिए दिया हमने, स्पेशली स्प्रे करने के लिए दिया, जिसका स्पीड मैक्सिमम 4 किलोमीटर है, 4 आवर। और दूसरा जो है 10 किलोमीटर का है, 10 की स्पीड से पड़ता है, और दूसरा है 4 की स्पीड से पड़ता है, भागता है। इसमें और एक खासियत है कि जिसका इसका ब्रेक पैडल है, जो दबाने से ही मशीन स्टार्ट होता है, मशीन न्यूट्रल करने के बाद ही मशीन स्टार्ट होता है, जो कि एक सेफ्टी फीचर्स बोल के एक अच्छा है। ये इस हाइट पे ये स्प्रे करता है, और नीचे डाउन साइड में मैक्सिमम ये 1 फीट की अंतर पे स्प्रे करता है। सर इधर नोजल लीजिए, ये टोटल नोजल एक साइड में
आठ नोजल है, सेंटर के बूम को छह नोजल है और उस साइड में छह आठ नोजल है, ऐसे टोटल नोजल है आपके 20 नोजल है। जो नोजल होता है इस नोजल का और एक खासियत है कि आप अगर दो फसल है और एक फसल अलग तरीके से है जिसको आपको स्प्रे नहीं करना हो तो आप ये बंद पोजीशन पे ही रख सकते हैं और दो फसल पे आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा ये फ्लैट कॉइन है, ये नीचे वाला जो है हेलो कॉइन है जो कि 80 डिग्री पे स्प्रे करता है और एक 110 डिग्री पे स्प्रे करता है, जो राउंड स्प्रेस में स्प्रे करता है और एक ट्रायंगुलर साइड पे स्प्रे करता है। अभी मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। और ये दूसरी ये भी है कि ये जो बूम है ये पूरा फ्लेक्सिबल है, जो कि फसल में जैसे कि एक स्टैंड रहा तो फसल टूट भी सकती थी, पर ये कंपनी में ये भी सेफ्टी फसल की सेफ्टी के लिए फ्लेक्सिबल रखा है। डेमो देते हो ना, अभी देखो मैंने यहाँ पर एक नोजल बंद करके रखा है और ये दो नोजल चालू है। इसमें एक ही आपको सेफ्टी रखना है, नोजल की सेफ्टी के लिए आपको जो जब भी ये नोजल बंद करना हो तो आपको पहले स्प्रे बंद करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये नोजल बंद करना या चालू करना पड़ेगा। ऐसे अगर चालू करोगे तो आपका नोजल खराब हो सकता है वे भी। दूसरा इसका टैंक कैपेसिटी जो है ये 600 लीटर का है, जिसमें लेवल ट्यूब भी दिया है। काफ़ी किसानों को बाहर से अगर नहीं दिखता है तो अंदर ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ये लेवल ट्यूब भी दिया है। आपका कितना पानी इसमें भरा हुआ है वो ये भी दिखेगा इसमें आपको, ये लेवल ट्यूब दिए वाला है। सर इसमें और एक खासियत है, जो यहाँ पर आपका जो स्प्रे का स्पीड फ्लो है ये भी एडजस्ट हो सकता है यहाँ पर। इसमें और एक खासियत है कि जो कि आपका स्प्रे का बटन जो है यहाँ पर स्टेयरिंग के नीचे ही दिया है कि आपको कहीं नीचे जाने का या नीचे उतरने का जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पर है स्टेयरिंग का बटन भी यहाँ पर है। आपको कैसा लगा हमारा मशीन कमेंट में बताइए प्लीज़। इसका और भी आपको टेक्निकली जो भी है जो डिटेल चाहिए तो आप हमारी टेक्निकल अपने हमारा एक वेबसाइट है शक्तिमान.com उस पर जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब किए। थैंक यू।